अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप जानते हैं लोहरी ब्लॉगर्स। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हम तो, लोहरी ब्लॉगर्स, तो आज आपको भी हम दिखाते हैं हम कहाँ पर मौजूद हैं, आप देख लें। एक मिनट दिखाते हैं आपको। हाँ तो जी, मैं इस टाइम लाहौर जू में और मम्मा इस टाइम टिकट लेने गई हैं, तो अभी वो आती हैं तो फिर आपसे उनकी भी बातचीत करवाते हैं। हाय मम्मा जी। गाइस हमने टिकट्स वगैरह टिकट ले ली हैं। अब गाइस अब हम यानी कि इधर से जा रहे हैं, अंदर एंटर होने लगे हैं। अदनान दूसरी लाइन में है। गाइस यहाँ से अब हम एंटर हो रहे हैं अंदर। अदनान तो चला गया, अदनान इस लाइन में था, जेंट्स वाली लाइन में। वो है अदनान अंदर, ये मामा, और जुड़े रहे हमारे वीडियो के साथ आगे के भी, हम आपसे रूटीन शेयर करते हैं। तो गाइस इस टाइम हम अंदर आ चुके हैं जू में, और ये देखें मम्मा कमल और मैं आए हैं। तो अभी आपको पूरा देखें, हमारी वीडियो को देखते हैं, हमारी वीडियो को ऐसे ही ये देखें। जैसे कि मंकी ये बनाए हुए हैं अंदर आते, साथ ही ये जो मंकी है, एक ने अपने आँखों पे हाथ रखे, एक ने मुंह पे, एक में अपने कानों पे। इसका मतलब ये हमें सबक दे रहे हैं कि बुरा ना देख, बुरा ना बोल और बुरा ना सुन। तो ये काफ़ी अच्छा मैसेज है। और ये मंकीज का है पिंजरा, वो बैठे हुए हैं सारे अंदर। टर्टल्स ये क्या कह रहे हैं, दो हैं, एक ये खाना खा रहा है। खाना खाने वाले कितना क्यूट लग रहा है। हम आए, उन्होंने लड़ाई बंद कर दी है। हमारे लिए दहशत काफी है। मैं देख के पीछे चला गया। सीज मेरे ख्याल से इसमें क्या था, वो देख लो, सीज है मेरे ख्याल से, पता नहीं क्या है वो लिखा हुआ। ये वाला मुझे सबसे अच्छा लगता है, हिप्पो। ये साइज के हिसाब से मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कहाँ पे है, लो जी अंदर होगा कमरे में अपने, रेस्ट कर रहा है वो। फर्स्ट टाइम रेस्ट कर रहा है, उसको देखने के लिए आए हैं। वो उसका रूम है सामने, वहाँ पे होता है। और इसका मैंने एक दफा देखा था कि ये अपना खाना खा रहा था, इसका जो मुंह था वो बहुत बड़ा था, जब वो खा रहा था बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी। तो मतलब मुझे इसके साइज़ के हिसाब से मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये जब खाता है ना, मतलब मुंह खोलता है, मेरे जैसा बंदा तो इसके अंदर आराम सुकून से सो सकता है। मैं तो ज़्यादा ही आप आई थी इकरा आपी के साथ, और मैं उससे पहले आया था। यहाँ पे कुछ भी नहीं है मम्मी, ये तो खाली हो गया ना। यहाँ पे एलिफेंट है, कहाँ है, हैं? नहीं है एलिफेंट, खाना वगैरह खाता है यहाँ पे आपके मेरे ख्याल से, नहीं तो यहाँ पे मैंने इतनी दफ़ा देखा है हिप्पो को। क्यों नहीं है, सिर्फ हमारा फायदा नहीं हुआ आने का, वो तो गेंडा है। वाह भरा इधर मुंह कर। इस
उसके जो मैंने जो लगता है कि जो सींग है ना जो नाक पे लगे हैं उससे लेडीज जेवरात वगैरह बनते हैं। काफ़ी महंगे इसके और हाथ के जो सींग होते हैं ना काफ़ी महंगे जेवर मिलते हैं, इतना सोना वगैरह नहीं महंगा होता जितना इसके होते। ये क्या है फेवरेट? ये बॉक्सिंग बहुत करते हैं, इनकी पॉकेट्स भी मैंने आगे देखा गया लगी होती हैं। खड़ा हो जरा, कुछ खा रहा है ना? ये पूछ पे खड़ा हो छोटे, खड़ा छोटे बात नहीं मान रहे, बड़ा बात में हमने इसे बोल नहीं, चलो आओ चले, हमने नहीं इससे बोलना। ये है जी यहाँ का व्यू, ये काफ़ी इनोसेंट से होते हैं इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। और ये है जी हॉग डियर पाड़ा, ये इसकी सारी लिखी हुई है डिटेल। भाई यहाँ पे तो हाथी होता था बिल्कुल उसके सामने, और सूजी वो तो मर गया ना, तो उसकी जगह पे चाहिए था कि नीला आगे रखें। और ये कौन से जानवर लें, ये कौन से? किसी को इसका नाम पता है? यहाँ पे लिखा होगा साइड पे, अगर देखते हैं नहीं तो वहाँ, यहाँ पे हाथी था और ये जो सामने नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे इसका हाथी का एक बोर्ड लगाता था, मतलब स्टैचू टाइप बोर्ड लगा हुआ है वो मेरे ख्याल से क्या। हाँ ये कौन सा, इसका नाम क्या है? वो लिखा है ये ऊपर लिखा हुआ है वो खबर ना, ये है ये कौन सा है, ये बारह सिंगत में चले आज। हाँ जी यार मुझे बड़ा दुख हो रहा है, दो ही तो जानवर थे बड़े, हाथी और गैंडा, ओ हिप्पो दरियाई घोड़ा ना, वो है ना वो दूसरा हाथी है। आगे होगा मम्मा जी वाला बोला शिफ्ट कर दियो आगे उन्हें नहीं, ये कहाँ फिर गया वो लेटा हुआ शेर, मैं शेर यहाँ पे आ गया वहाँ पे मंकी बैठा होता था यहाँ पे। और ये क्या अब यहाँ पे शेर नहीं है ना मम्मा जी? चल छोटे दो कप चाह, ये अब शेर नहीं यहाँ पे आ गई है, सोई हुई है ऐसे कुछ टाइम ना। हाँ जी तो देखते रहिए हमारी वीडियो पूरा, हम आपको पूरा आज सारे जानवर यहीं से दिखा देंगे। ये क्या? टाइगर, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसकी स्पीड से, इसकी मुझे स्किन बड़ी अच्छी लगती है, इसकी स्किन का मुझे वो बहुत अच्छा लगता है इसकी स्किन का, मम्मा जी जो कोट टाइप नहीं बने अपर वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ये क्या है? जंगली बिल्ली होती है। जंगली बिल्ली, अच्छा। और ये क्या है? रीच, अच्छा इसको भी यहाँ पे ले आए हैं। ये देखो जी ये रीच बैठा हुआ है, और ये पहाड़ी इलाका शुरू होता है यहाँ से। वैसे मम्मा काफी इन्होंने चेंजिंग्स कर दी हैं, बिल्कुल भी नहीं है ये देखे यहाँ पे क्या होता था वो देखो, वो ये है लूमड़ी, ये लूमड़ी है ना, ये मुझे हराम जानवर लग रहा है तो, अच्छा यहाँ पे होती थी पहले लूमड़ी और यहाँ पे रीछ आ गया, और यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे भी बंदर होता था बड़ा, क्या फोग। हाँ जी तो कमल कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे आके? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा तो मम्मा जी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा यहाँ पे रीछ होता था, ये उसके पिंज अंदर कैबिन्स हैं,
वो वहाँ पे बड़ा ये सामने ये झूला लगा हुआ, यहाँ पे बहुत वो मज़े से झूले ले रहा था, बड़ा प्यारा लग रहा था, बड़ा क्यूट लगता था। और अब लेकिन वो क्या वो शेर लेता है, ये वाइट शेर लाइन रेस्ट कर रहा वो लेके, ये समझो आलसी शेर है, ये शेर नहीं है, वो कपल है, कपल ये आपस में रिश्तेदार है, वो और ये बब्बर शेर है, ये बब्बर शेर और वो शेर भी वाइट शेर, वो हिला भाई शेर यहाँ पे रीच होता था, वो बैठा नहीं हुआ है, वो शेर लेते हुए हैं, वहाँ पे भी शेर है, वो जो छोटे पिंजरे हैं वहाँ चले थे, शेर इस बारी तेरी को बताएगी कि नहीं, शेर है वो, शेर है तेरी को बताएगी कि नहीं, वो कह रहे मैं ना बुलाओ, नाराज ही गया, कह रहे तुझे सू वोट नहीं पाया, इमरान खान पाया वोट, हूँ मजे लो, इस बारी 5 साल रेस्ट तो चला गया। एक तो यहाँ पे सारे रेस्ट ही करने लगे हुए यार, फिर सारे शेर किस किन लगता है इनके सोने का टाइम है, सारे सो ही रहे हैं यहाँ पे, और हमारी गलती है ना, हम गलत टाइम पे हैं उनके, फिर हम उनसे फोन करके पूछ लेते कि जाग रहे हो भाई तुम, आ गए वाह, तीनों कितने आराम से लेटे हुए हैं, ये तनु कोई काम कार नहीं का वेले हैं, ये वेले बैठे रहते हो, मुफ्त दी दी यार रोटियां तोड़ रहे हो बह के, चल ये सो कैसे रहे हैं मियां बीवी, अफ्रीकन लाइन, अफ्रीकन लाइन कौन सा, तेन मैं कहना किने सिखाया वहां पे लिखा हुआ था मैंने, अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है, मुझे तो पढ़ने नहीं आता, ओ अच्छा, मम्मा और मेरी मिसेज आगे आगे हैं क्योंकि कहते हैं नान वीडियो बना रहा, आज मैं नहीं बना रही, ये आगे हैं क्योंकि कहते हैं लेडीज फर्स्ट, हमारी वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, काफी एंजॉय करेंगे आप वीडियो देख के, और आप हमारी आप ही हमारे साथ का मजा ले, हाँ आपको तो घर बैठे बैठे फ्री में ही एंजॉय हो रहा है, और आप साथ साथ बताइएगा कि हमारी कमेंट्री टूटी पूजी, मतलब कहते हैं टूटी पूजी कमेंट्री कैसी लग रही है आपको, हमें ये चल रहा है, शुक्र है कोई तो सू जागता लगे, ऐ साडा यार ही है, हाँ, ये साडा यार है, वे इधर वेख वे लाज रख ले वे, ये मारा फिर नहीं छोटे है, दोस्त नहीं है, उसने हमें देख के मुंह इधर को कर लिया, उसको हम पसंद नहीं आए, ठीक हो दे दिया, ऐसा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, घर रोज घर का टेरिस के ऊपर ना जंगला लगाया हो इतना बड़ा, और 5-6 पीकोज अंदर रखी हो, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत चेक करें आप, ये भी बैठी है, अरे वे वेल लो साड़ी लाज रखी ली है पहले, ओए असि नहीं आंदे जा नहीं आंदे जा तू हूं इधर रह, मैं नहीं आंदे तेरे, ठीक है आज यार हमने नहीं इससे बोलना, ओले
हाउस के अंदर एंट्री होने जा रहे हैं। आगे देखें हमारे साथ वीडियो। तो हमें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। क्या रहेगा कि यहाँ पे सारे जानवर जितने यहाँ पे होते थे सारे होते थे, अब यहाँ पे आने के फायदे ही नहीं हो रहे सारे, कुछ भी चीज नहीं रहेगी अब की जगह। मिला हमें स्नेक बटे, ये कितने हैं? दो हैं। एक का मुंह ये है, ये एक का वो है, एक का वो है। अच्छा मुझे इनकी लड़ाई देखने में बड़ा कुछ ताला ताला खाया क्योंकि वो आपका पेट देख रहे थे कितना। ये मम्मा जी किसी एरिया में चला जाए, अगर पिंजरे में बांधे ना हो तब क्या हो। तो गाइस ये देखे कैंटीन एरिया, ये सारा कैंटीन एरिया है। कैंटीन एरिया में बैठने की भी जगह नहीं रही, कैंटीन बंद है। के लिए इन्होंने बहुत अच्छी जगह बनाई है मस्जिद नमाज के लिए, और इसके सामने ही देखे तो वो जिराफ्स दो। शुक्र है मामा जी, मैं इतने देर पहले अब देखे हैं, मैं पहले आया था 6-7 साल पहले, तब वो नहीं थे, तब थे उसके बाद एक दो चक्कर लगे हैं फिर नहीं थे, अब हैं। एकदम चल चल के थक चुके थे तो इस टाइम ये बैठ चुके हैं मम्मा, और नीचे बैठ गई हैं। मेरे बैठने के लिए जगह ही नहीं है। ये लाहौर का जू तो अब रहा ही नहीं है जो पहले यहाँ पर रौनक होती थी, अब देख रहे हैं आप यहाँ पे है भी सारा खाली नहीं, तो यहाँ पे कभी पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। चीज नहीं है भैया, कोई चीज नहीं रह गई, ये भी हमें पागल बना रहे, गधे को रंग कर दिया। मम्मी डैडी गधा, ये देखो ना, हमें तो यही लगेगा कि ये लगेगा कि इन्होंने जो चीज़ें हैं सबको पेंट वगैरह किया, कोई चीज़ रह ही नहीं गई पैसे बचाने के चक्करों में, ज़्यादा ही बेच देते हैं चीज़ें। ये इस टाइम छतर मुर्ग आ गया। अच्छा इसका भी गोश्त मैंने सुना बड़ा महंगा है, 2,000-2,500 रुपये का इसका एक अंडा है बड़ा, और तकरीबन 2-3 दर्जन मुर्गी के अंडे हो ना मम्मा जी। ये 12 सिंग है, अच्छा ये देखो ये सिंग है इसके, ये वाले के 12 सिंग इसके नजर आ रहे 12 सिंग। तो वीडियो प्लीज पूरा वॉच कीजिएगा, और आज का आपको व्लॉग कैसा लग रहा है आपको ये भी बताइएगा, मतलब मजा आ रहा है देखने का कि नहीं। ये देखे पीकोज, ये वाइट कलर की और ग्रीन, हाय क्या है ये, क्या है ये, चकोर है ना। ये देखे माँ बेटी पीछे से एंजॉय करती आ रही हैं, और ये ना सामने एक मुझे ना दरख्त नज़र आ रहा है, और इसके एक मिनट में आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखे दरख्त, और ये ऊपर देखें आप इसकी टहनियाँ कहाँ तक हैं। तो इसकी कहते हैं काफ़ी कोई एक लंबी स्टोरी है, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं कि इसको इसके चारों इतराफ जो है उन्होंने शीशा लगाया है, ये देख रहे हैं आप शीशा लगा हुआ है, और इसकी कहना काफ़ी लंबी कहते हैं कि
स्टोरी है, तो इसकी आपको स्टोरी पहले किसी और दिन सुनताएंगे। ये देखे 400 साल कह रहे कि इसको हो गए हुए हैं, 400 साल पुराना ये दरख्त है, 400 साल पुराना। बहुत अच्छी मतलब इसका, अगर ये बोल सकता होता ना तो हमें इससे 400 साल पहले की बातें हमने पूछनी, तो काफ़ी हमें तारीख की बातें इससे पता चलनी थी। अगर ये होता बोलता होता तो हमें इसकी काफ़ी पता चलनी थी बातें इससे कि तारीख में क्या हुआ था क्या नहीं। मतलब बुक्स से तो पता चलता, लेकिन इसकी ज़ुबान नहीं सुनने, क्योंकि ये अभी तक ज़िंदा है लाइफ। ये देखें आप पहाड़ी एरिया, ये काफ़ी इन्होंने अच्छा मतलब किया है, पहाड़ यहाँ पे बना दिए। तो एक ही यहाँ पे बड़ा प्यारा व्यू था, ये अभी इन्होंने जंगले वगैरह लगा दिए, पहले ये भी नहीं था और ना तारे थी, अभी इन्होंने दोनों कर दिया। अब अंदर यहाँ पे मछलियाँ छोड़ दी, वहाँ से पानी आता था, बड़ा प्यारा व्यू लगता था और यहाँ से निकलता था। लेकिन जैसा कि अभी आपको बताया था कि लाहौर अब ज़ू, अब पहले वाला ज़ू रहा ही नहीं है, मज़ा ही नहीं है अब यहाँ पे। ये ऊपर वैसे जाने का फायदा तो नहीं है, बस ये हमें सीन बना दी। और ये हम इस टाइम ऊपर जा रहे हैं मतलब पहाड़ी एरिया पे, आए भी वैसे हम पहाड़ी एरिया से ही हैं। सो गाइस इस टाइम हम मगरमच्छ के पास आ चुके हैं, क्रोकोडाइल। और ये तो टर्टल निकल रहे हैं वहाँ पे, वो बहुत बड़ा है, मेरे से तो बड़ा वो मगरमच्छ है, वो लेटा हुआ है ना, 2-3 है। ये सारे बर्ड साइड थी तो हम इधर नहीं गए, हमें कुछ भी नहीं आया, हमें थकना ही है जाके। और वो क्रोकोडाइल्स लेटे हुए हैं। और ये अजानों का टाइम हो चुका है, शाम हो गई है, असर की अजान है, और वो मगरमच्छ लेटे हुए हैं। एक 2-3, हाँ तेरे मेरे से बड़े हैं कि नहीं? हाँ बड़े हैं काफ़ी। ये देखा मम्मा को और ये देखा कमल को। चलो तो अभी हमने तो पिक्चर्स कैप्चर करवाई थी, तो देख के बताइए कैसी पिक्चर्स हैं, ये क्लियर नहीं आ रही है पिक्चर है, और एक ये है, तो बताइए कैसी वीडियो पिक्चर लगी आपको। ये है बाहर जाने का रास्ता एग्जिट, और कमल जा रही है और मम्मा और मैं भी जा रहे हैं। ये शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए गाइस। आज जैसा कि आपने देखा हमें कि हम लाहौर ज़ू में आए थे, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया आज के वीडियो देखने का, तो शुक्रिया आपका वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और हमारे हमें ऐसे ही प्यार देते रहें, और हमारे चैनल लाहौर व्लॉगर्स को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।